अब राम रहीम की जो पैरोल है वो खत्म हो जाएगी। जनवरी में पैरोल पर जेल से बाहर आया था राम रहीम और अब वो खत्म हो जाएगी। 14 महीने में 4 बार जेल से बाहर आ चुका है, जिस पर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ। 2 मार्च को वापस जेल जा सकता है राम रहीम। तो ये बड़ी खबर आ रही है सिरसा से। 3 दिन में अब राम रहीम की पैरोल जो है वो खत्म हो जाएगी। हम आपको बता दें कि जनवरी में पैरोल पर जेल से बाहर आया था राम रहीम। 14 महीने में 4 बार जेल से बाहर आ चुका है राम रहीम और 2 मार्च को वापस जेल जा सकता है राम रहीम। तो 14 महीने में 4 बार वापस जेल से आने को लेकर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ, विवाद भी हुआ और कहीं ना कहीं संबंधित विभाग पर में भी इसके सवालिया निशान लगता नजर आया। लेकिन अब जो है ये पैरोल जो है वो खत्म होने वाली है। 2 मार्च को वापस जेल जाना पड़ सकता है। 3 दिन में राम रहीम की पैरोल जो है वो खत्म होने वाली है। सिरसा से ये बड़ी खबर आ रही है। तो जनवरी में पैरोल पर जेल से बाहर आया था राम रहीम। 14 महीने में 4 बार जेल से बाहर आ चुका है राम रहीम। तो आप देखिए कि राम रहीम, अब देखना होगा कि राम रहीम जेल वापस जाता है 2 मार्च को या फिर नहीं। एक बार फिर से लाइव हमारे साथ हमारे संवाददाता नकुल जसूजा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। नकुल, जिस तरह से राम रहीम 14 महीने में 4 बार जेल से आया, इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा और बवाल मचना भी जायज़ था, क्योंकि 14 महीने में 4 बार जेल से आना पैरोल के जरिए ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता था। अब 2 मार्च को जेल जा सकता है या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल 2 मार्च या 3 मार्च को अभी फिलहाल इसकी पूरी क्लेरिफिकेशन होगी, क्योंकि डेट्स को लेके कहीं कोई कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन 2 या 3 मार्च, 3 दिन बताए जा रहे हैं कि राम रहीम जो है वो, क्योंकि पैरोल अवधि जो है वो 2 तारीख को खत्म होगी, 2 मार्च को खत्म होगी, और उसके बाद बताया जाता है कि जेल प्रोसीडिंग के हिसाब से 24 घंटे के भीतर जो है सरेंडर जेल में करना होता है। तो जो है पैरोल अवधि जो है वो खत्म हो रही है। 40 दिन की पैरोल अवधि राम रहीम की खत्म हो रही है। और खास बात यह है कि पैरोल अवधि खत्म होने से पहले आज डेरा सच्चा सौदा सिरसा में एक बड़ा समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई राज्यों से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के जो समर्थक हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। 4थी बार ऐसी पैरोल मिली है। हालांकि पैरोल के दौरान विरोध प्रदर्शन भी किए गए, विरोध भी जताए गए, जो है अलग अलग तरीकों से विरोध किए गए। तो अब जो अब की अपडेट यही है कि राम रहीम की पैरोल जो है वो 2 मार्च को खत्म हो जाएगी और उसके बाद 24 घंटे के भीतर किसी वक्त भी राम रहीम जो है वो सरेंडर जो है वो कर सकते हैं। और जो अब आज की अपडेट है उसमें यही है कि आज डेरे में एक बड़े समागम का आयोजन किया जा रहा है। राम रहीम पैरोल से वापस लौटने के पहले जो है एक बड़े समागम को जो है संबोधित करेगा, ऑनलाइन तरीके से राम रहीम अपने समर्थकों से कनेक्ट होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।